हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद। उंज प्यारी है सारी दुनिया, मेरे सतगुरु जिहा कोई प्यारा नहीं, जो कदम कदम ते रक्षा करे कोई ऐसा पालनहारा ना। भाग्यशाली है वो लोग। कहते हैं तीन प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में, कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ दुखी होते हैं, कुछ बहुत खुश होते हैं, कुछ परेशान होते हैं, कुछ खुश होते हैं और कुछ बहुत खुश होते हैं। इन तीनों में अंतर क्या है? जिनको गुरु नहीं मिला वो परेशान है, जिनको गुरु मिल गया वो खुश है, और जो गुरु के दिखाए रास्ते पर चल पड़े वो बहुत खुश है। बोलो श्री राधे, श्री राधे। लेकिन आज के समय में एक शिष्य ने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी, भगवान को मानने से, गुरु को मानने से होता क्या है? मैंने सुना है, कहते हैं पत्थरां विच कीड़े पाल रहा तेरे वर्गा पालनहारा ना। अरे वैसे कैसे खाना मिल जाएगा किसी को? आज मैं पर लेता हूं कि आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा तो मुझे खाना कहां से मिलेगा? गुरु जी कहने लगे, वो बड़ा, बहुत बड़ा है वो भगवान, वो खाना तुझे खिला देगा। कहते लोग, आज मैंने पर ले लिया, आज मैं पूरा दिन खाना नहीं खाऊंगा, देखता हूं मुझे भगवान कैसे खिलाता है। आश्रम से निकल गया, कहां गया? शहर के बाहर। देखा, इधर देखा, उधर देखा, पीपल का पेड़ था, पीपल के पेड़ के ऊपर बैठ गया कि यहां पर देखते हैं खाना मुझे कैसे खिलाएगा, कौन खिलाएगा। कुछ समय गुजरा, क्या देखा? एक बालक जिसके पिताजी का श्राद्ध था आज, तो वो पीपल देवता को एक थाली भेंट करने के लिए खाने की लेकर आया। इसमें खीर, हलवा, पूड़ी, चने सब रखा हुआ है। पीपल देवता के पास रखा कि पीपल देवता, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, कृपा बनाए रखना और उनकी आत्माओं को शांति मिले। अब ऊपर बैठा बालक देख रहा है, लड़का देख रहा है कि खाना तो आ गया लेकिन मैं खाऊंगा ही नहीं, मैंने तो पर ले रखा कि मैं खाऊंगा ही नहीं। बालक खाना रखकर चला गया, ऊपर बैठा वो देख रहा है। कुछ ही समय बाद वहां से कुछ डाकू आ रहे हैं, एक डाकू का सरदार, साथ में कुछ लोग और। डाकू के सरदार को भूख बहुत लगी है, मारे भूख की उसकी भी जान निकले जा रही है। सोचा किसी गांव में जाकर खाना खाते हैं। अभी निकले जा रहा था, जैसे ही पीपल के पेड़ के पास से निकला, खाना देखा, अरे वाह खाना, भूख के मारे पहले ही जान निकले जा रही है, क्यों ना खाना खा ले। अपने घोड़े वहां पर रखे, खाना खाने वाला था कि साथ वाले साथी बोले कि सरदार पहले देखो खाना यहाँ पे आया कहां से, कहीं को पुलिस की चाल तो नहीं, इसके बीच में कोई विष तो नहीं मिला हुआ, इस जंगल में खाना कहां से आया। सरदार ने कहा, भाई बात तो सही कह रहा है जी, कोई चाल तो नहीं किसी की, इधर देखा उधर देखा कोई नजर नहीं आया, ऊपर देखा अरे वो बैठा है, आजा नीचे नीचे आ, नीचे आ गया। तू पुलिस का आदमी है? मैं पुलिस का आदमी नहीं। तू पुलिस का आदमी है? इस खाने में एक विष मिला हुआ है, फिर खा के दिखा, खा खाना खा जल्दी से। कहते जी मैंने परण लिया हुआ है, मैं खाना नहीं खाऊंगा आज, मैं खाना खाऊंगा तो मेरा परण टूट जाएगा, नहीं खाएगा तो गोली चली, अगर नहीं खाएगा तो गोली चलने वाली है। अब आंखों में अश्रु है, खाने की ग्रास तोड़ रहा है, मुख में रख रहा है और मन मन सोच रहा है कि गुरु जी सच कहते थे, नहीं गुरु जी सच कहते थे कि भगवान बहुत बड़ा है, संतजन बहुत बड़े हैं। मन ही मन सोच रहा है
चला गया गुरु जी के पास, चरणों में गिरा, क्षमा मांगी, माफी मांगी, गुरु जी अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अब मन कर रहा है बस आप ही के पास रहूंगा जिंदगी भर। समझ आ गई इस दुनिया में कोई नहीं गुरु चरणों के अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एक भजन के गान में कह रहा है क्या, चंगा लगदा नी जग विच रहना गुरु जी तेरे कोल बसना, जग विच रहना गुरु जी तेरे कोल बसना, सतगुर प्यारे तू जल्दी आना, 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 डुबदी नैया पार लगाना, डुबदी नैया पार लगाना, आखर तैनू ही आखर तैनू आखिर तैनू ही तार न पैना गुरु जी तेरे कोल बसना, गुरु जी तेरे कोल बसना, गुरु जी तेरे कोल बसना, चंगा लगदा नी जग विच रहना गुरु जी तेरे कोल बसना, क्या है कैसे शिक्षा देते हैं गुरु जी। और गुरु जी ये शिक्षा देते हैं तो इंसान क्या से क्या हो जाता है। एक महात्मा एक सेठ के घर में गए, एक महात्मा एक सेठ के घर में गए, बोले कि मैं तेरे नगर में कुछ दिन रहना चाहता हूं, तुम्हारे घर में कुछ दिन के लिए शरण चाहिए। सेठ कौन, महात्माओं की इज्जत करने वाला, सत्कार करने वाला, कि रहिए महात्मा जी आपका घर है, आइए। कुछ दिन महात्मा वहां पर रहे, महात्मा जी ने सेठ जी से पहले दिन पूछा कि तुम्हारी आयु कितनी है, उम्र कितनी है आपकी। तो सेठ बोले मेरी उम्र तो अभी 8 साल की है। 8 साल की उम्र, महात्मा एक एक सोचने लगे, अरे इसकी उम्र तो कम से कम 70 साल की दिखाई दे रही है, और ये 8 साल की कह रहा है, झूठ क्यों बोल रहा है, सोच रहे हैं। अभी 2 दिन गुजरे, फिर पूछा कि तुम्हारे पास संपत्ति कितनी है, पैसा कितना है। कहते महात्मा जी मेरे पास 25,000 रुपए है। महात्मा फिर सोचने लगे, अरे ये फिर झूठ बोल रहा है, इसके घर में इतने नौकर हैं और एक एक नौकर की कीमत तनख्वाह, एक एक नौकर की मासिक तनख्वाह कम से कम 25,000 रुपए होगी, झूठ क्यों बोल रहा है। फिर 2 दिन गए, फिर पूछा सेठ जी से कि सेठ जी तुम्हारे बच्चे कितने हैं। तो सेठ कहने लगा एक बेटा। तो महात्मा जी से रहा ना गया, पूछा कि तुम्हारे 4 बच्चे मैं प्रतिदिन देखता हूं, तुम झूठ पे झूठ क्यों बोले जा रहे हो। मैंने तुझसे पूछा कि तुम्हारी आयु कितनी है, तूने कहा 8 साल, जबकि तेरी उम्र 70 साल के करीब है। मैंने पूछा तुम्हारे पास संपत्ति कितनी है, तो तूने कहा टोटल 25,000 रुपए, जबकि तुम्हारे एक एक नौकर की तनख्वाह 25,000 रुपए प्रति मास है। मैंने पूछा तुम्हारे बच्चे कितने हैं, तूने कहा एक बेटा, जबकि तुम्हारे 4 बेटे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हो। तो सेठ जी ने हाथ जोड़े, कहने लगा नहीं महात्मा जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सत्य कह रहा हूं, मैंने 8 साल पहले ही गुरु दीक्षा ली है। जब गुरु दीक्षा ली, धर्म के रास्ते का पता चला 8 साल पहले, तो मेरी आयु कितनी हुई, 8 साल। इससे पहले मैं धर्म को नहीं जानता, गुरु दीक्षा मिली
तभी से आयु शुरू हुई। आपने पूछा मेरे पास संपत्ति कितनी है, धर्म के काम पर, नेक रास्ते पर, अच्छे काम पर मैंने 25,000 रुपए आज तक खर्च किए हैं, तो मेरी कुल संपत्ति कितनी हुई, 25,000। आपने कहा बेटे कितने हैं, बेटे तो चार हैं, लेकिन अच्छे रास्ते पर चलने वाला दयावान नेक एक ही बच्चा है, तो बोलो बच्चे कितने हुए। अभी इतनी बात सुनने की देर थी कि महात्मा की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे अरे कौन कहता है कि सूहे बाने में महात्मा रहते हैं, जिनको गुरु की शरण मिल जाए वो गृहस्थी में भी ऐसे ऐसे संत बैठे हैं। पूछा कहां से सीखा, कहता महात्मा जी गुरुजी ने दीक्षा दी, बहुत कुछ पाया, अब शरीर जहां पर रहता है और मन हर समय कहां पर है, गुरुजी के आश्रम में, गुरुजी के आश्रम में मन रहता है और शरीर जहां पर काम कर रहा है, क्योंकि अब अच्छा नहीं लगता, क्यों नहीं अच्छा लगता, चंगा लगदा नहीं जग विच रहना गुरुजी तेरे कोल बसना, चंगा लगदा नहीं जग विच रहना गुरुजी तेरे कोल बसना, गुरुजी तेरे कोल बसना, चंगा लगदा नहीं जग विच रहना गुरुजी तेरे कोल बसना। आखर तैनू ही तो आखर तैनू ही आखर तैनू ही सुनना पैना गुरुजी तेरे कोल बसना, चंगा लगदा नहीं जग विच रहना गुरुजी तेरे कोल बसना, गुरुजी तेरे कोल बसना, गुरुजी तेरे कोल बसना, चंगा लगदा नहीं जग विच रहना गुरुजी कोल बसना, चंगा कृपा करनी अपने दास ते कृपा करनी, अपने दास ते कृपा करनी, अपने दास ते कृपा करनी, रख ले मैनू अपनी शरणी, रख ले मैनू अपनी शरणी, पावे दुख ना नरक वाला सैना, पावे दुख ना नरक वाला सै गुरु जी तेरे कोल बसना, चंगा गुरु जी तेरे कोल बसना, गुरु जी तेरे कोल बसना, चंगा लगदा नहीं जग विच रहना गुरु जी तेरे कोल बसना, जग विच रहना गुरु जी तेरे कोल बसना, गुरु जी तेरे कोल बसना, चंगा लगदा नहीं जग विच रहना गुरु जी तेरे कोल बसना। लेकिन जो गुरु का हो गया वो पुराने जमाने में गुरु और शिष्य कुछ अलग थे, आज कुछ अलग ही है। आज तो एक गुरु ने एक शिष्य बनाया, बरसात हो रही थी, पानी बरस रहा था, तो गुरु जी ने अपने शिष्य को कहा कि बेटा देख बाहर गाय को बंधन से मुक्त कर दे, पानी बरस रहा है। तो अब शिष्य क्या था,
कहते हैं गुरु जी बंधन से मुक्त जो खुद बंधन में बंधा हो वो कैसे मुक्त करेगा, ये बंधन से मुक्त करना आपका काम है, आप ही कीजिए। गुरु जी चुपचाप खड़े हो, गुरु जी को पता चल गया कि गुरु नहीं शिष्य नहीं, ये तो गुरु ही मिला है। कुछ समय फिर गुजरा, फिर गुरु जी ने पूछा कि बेटा बाहर देख पानी बरस रहा है या नहीं बरस रहा। कहता गुरु जी क्या देखना है, अब देखो ना ये बिल्ली आपके पास बैठी है, बाहर से तो आई है, बाहर से आई है, इसके हाथ लगाकर देख लो अगर गिल्ली है तो बरस रहा है, सूखी है तो नहीं बरस रहा। गुरु जी फिर शांत रहे। अब करते करते रात हो गई, रात का समय हुआ तो गुरु जी ने कहा बेटा नींद नहीं आ रही, दिया बुझा दे। कहता गुरु जी अब रजाई ओढ़ ली, कहां दिया बुझेगा, अब आप अपनी आंखें बंद कर लो, आपके लिए बुझ गया दिया। गुरु जी सोच रहे हैं अभी कैसा शिष्य है, चलो चल जाएगा। अब करते 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 सुबह हो गए। सुबह क्या हुआ, एक सेठ के बच्चे का जन्मदिन था, वो मोतीचूर के बड़े अच्छे अच्छे लड्डू लेके आया, महात्मा जी के पास रखे कि महात्मा जी प्रभु को भोग लगाइए आप भी पाइए। अब महात्मा जी ने भोग लगाया, अभी खाने से पहले शिष्य को आवाज दी कि बेटा मोतीचूर के लड्डू खाएगा। कहते गुरु जी इससे पहले मैंने आपकी तीन बातें मोड़ दी, अब चौथी भी मोड़ दी तो घोर पाप होगा, आने दो खाने के लिए खा लेता हूं। तो आजकल के शिष्य कुछ ऐसे है, उस समय के शिष्य और आज के शिष्य में बहुत अंतर है। अगर बनना चाहो तो पल भर के लिए उसके बन जाओ, कोई ऐसा नहीं कि हमने गुरु का बन के, गुरु का मतलब क्या है, जो हमें अंधकार से रोशनी की तरफ लेकर जाए, जो हमें प्रभु से मिलाए, इस दुनिया के बंधन से मुक्त करे। दुनिया के बंधन से इस शरीर को मुक्त नहीं करना, इस रूह को मुक्त करना है, इस मन को मुक्त करना है। कहते ना मन जीते जग जीत, राजा ने बहुत कुछ जीता, बहुत सी संपत्ति जीती सिकंदर ने, क्या नहीं जीता, पूरी दुनिया पर को जीत लिया, लेकिन समझ आया अरे सब कुछ जीत लिया खुद को तो जीता ही नहीं। तो क्या बोला कि जाते हुए मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करना, दोनों हाथ मेरे बाहर निकाल देना, दुनिया वालों को पता चले कि दुनिया जीतने वाला साथ कुछ नहीं लेके जा रहा, साथ कौन लेके जा रहा है, इसने मन को जीत लिया हो, इस मन की इच्छाएं, मन की इच्छाओं की पूर्ति कर ली हो। इच्छाएं क्या है, ये एक इच्छा पूरी होगी दूसरी जन्म लेगी, लेकिन जब एक ही इच्छा होगी क्या। आइए आज की वाणी को विराम दो शब्दों के साथ, कौन से, हम तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे आप हमारे हो, आप हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद।